नमस्कार डीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने बदला गियर। पहले सामाजिक सुरक्षा, आपदा इत्यादि की समीक्षा, अब आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। दीक्षांत समारोह में उपाधि मिलते ही खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। मिल्लत कॉलेज में हुआ आयोजन। और अरसे बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत। लहरिया सराय में अवैध दुकानों को हटाया पुलिस ने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एस सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाप इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाप इंस्टीट्यूट में आईआईटी नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग आईआईटी जेई की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th एनटीएसई केवीपीवाई ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स। अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th। बेस्ट एजुकेशन CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम। डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक योर वर्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन। रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स। कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट। एनरिच्ड लाइब्रेरी। साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट। प्ले वे मेथड फॉर किड्स। एक्स्ट्रा करिकुलम योगा आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक एंड डांस क्लासेज रिमेडियल क्लासेज टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंडराइटिंग एंड डिसिप्लिन वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग। Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School. Captain International School, jiska mobile number hai 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार के साथ। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन का गियर बदल रहा है लगातार। जिला टास्क फोर्स जो आपूर्ति विभाग का टास्क फोर्स है उसकी समीक्षा की बैठक की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सोमवार। 10 मार्च से लेकर 27 मई आचार संहिता समाप्त हुआ। विधिवत पहले से ही घोषणा थी और आचार संहिता समाप्त होते ही प्रशासन ने गियर बदला। एक से दो दिन पहले आपदा की समीक्षा हुई, सामाजिक सुरक्षा की भी बात हुई कि किस तरह बाढ़ के लिए तैयार रहना है, सूखे से निपटना है
और सूखा जहां है वहां पेंशन इत्यादि को देख लिया जाए, कहीं से कोताही नहीं बढ़ते पदाधिकारी। सोमवार को जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की, कितना राशन कार्ड बंटा है और इन 3 महीना के दरमियान जो काम बंद सा था उसे तेजी से करने का निर्देश जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दिया संबंधित पदाधिकारियों को। जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति करनी है। चुनाव आचार संहिता के तहत कई कार्य धीमा पड़ा और लेकिन उस कार्य को फिर स्पीड में काम कर मेकअप कर लेना है, यानी सामान्य स्थिति बना लेनी है, यह निर्देश दिया जिलाधिकारी ने। सरकारी गुणों के अलावे निजी करने के पहले संतुष्ट हो जाए कि सरकारी गुण है ही नहीं, और आप एसबीओ स्तर से रिपोर्ट ले लें कि वहाँ पर प्राइवेट में जो ले रहे हैं वो पहुंचपत है और सब चीज है या नहीं। मिथिला के परंपरा से सराबोर हो रहा है दरभंगा। जी हाँ, लगातार महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। उसी के तहत सोमवार को मिल्लत कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। लगातार मिथिला की परंपरा से सराबोर हो रहा जिला दरभंगा। तमाम कॉलेजों में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है और इसी कड़ी में मिल्लत कॉलेज में भी ऐतिहासिक प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं,
दीक्षांत समारोह किसी भी छात्र के लिए वह क्षण होता है जब वो अपनी पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर वास्तविक जीवन अथवा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु तैयार होता है, जो कि चुनौतीपूर्ण होता है। मैं इस अवसर पर आप तमाम प्रतिभा संपन्न छात्र छात्राओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। मैं आपके पिता माता अभिभावकों एवं गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने आपके अंदर अच्छे संस्कार तथा ज्ञान भरने तथा इस अवसर हेतु आपको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मुझे विश्वास है अपनी तरफ से हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं इस अवसर पर मिलत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत भल्ला तथा कॉलेज के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का ग्रेजुएट अवार्ड पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशानुसार नवयुवकों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पढ़ाई प्रशिक्षण एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपाय किए गए हैं। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा दो दिवसीय एम्प्लॉयमेंट लिंक स्किलिंग प्रोग्राम जॉब ड्राइव कार्यक्रम का संचालन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशानुसार नवयुवकों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप पढ़ाई प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के उपाय किए गए। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वारा दो दिवसीय एम्प्लॉयमेंट लिंकेड स्किलिंग प्रोग्राम जॉब ड्राइव कार्यक्रम संचालित किया गया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन विश्वविद्यालय की ओर से छात्र अदालत लगाया गया सोमवार। अवैध रूप से लोहिया चौक के निकट चल रहे दुकानों को सड़क किनारे से हटाया गया। चुनाव समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाओ अभियान, काफी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया था। मालूम रहा कि वर्षों से यहां दुकान अवैध रूप से कब्जा कर चलाया जा रहा। चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हथौड़ा चलाना शुरू किया। हालांकि यह हथौड़ा बड़े बड़े मकानों ऊंचे मकानों वालों पर नहीं था, फुटपाथी दुकानदारों जिन्होंने सड़क पर पैर पसारना शुरू किया और रास्ता अतिक्रमण कर रखा था वहां भारी पुलिस बल की तैनाती में इन अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। लोहिया चौक के पास लगातार देख रहे हैं कि एक तरह से सड़क अतिक्रमण कई दुर्घटनाएं होती है, यातायात व्यवस्था प्रभावित होता रहा है और धीरे धीरे इन अतिक्रमणकारियों का बाजार पसरता गया, चौड़ी होती गई, सड़कें संकीर्ण होती गई। हालांकि जिन लोगों ने पक्का मकान बनाया हमेशा यह आरोप लगता रहा है फुटपाथी दुकानदारों की ओर से कि सबसे पहले छोटे गरीब लोगों पर ही अतिक्रमण का हथौड़ा चलता है। हालांकि आचार संहिता समाप्त होने के बाद पहले यही, लेकिन अब उम्मीद कि प्रशासन भेदभाव नहीं करेगा, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नोटिस देकर उन रसूखदारों का भी मकान तोड़ा जाएगा जिन्होंने पक्का अतिक्रमण कर रखा है। परमंडल क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा मधुबनी एवं समस्तीपुर में 20 मई से 25 मई तक 321 अभियुक्तों की या तो गिरफ्तारी हुई या उन्होंने आत्मसमर्पण किया। डीआईजी छत्रनील सिंह ने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा मीडिया को बताया।
डीआईजी क्षेत्र नील सिंह दरभंगा मधुबनी एवं समस्तीपुर की हमेशा समीक्षा करते रहते हैं। इस बार 5 दिन के समीक्षा में उन्होंने बताया कि दरभंगा से 129, मधुबनी से 114 और समस्तीपुर से 78 लोगों की या तो गिरफ्तारी हुई या उन्होंने पुलिस के दबाव के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी एसपी को निर्देश दिया गया है कि यथा स्थिति अपराध नियंत्रण में रहे और पुलिस गश्ती तेज रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कांड की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। दरभंगा के बहेरा थाना कांड संख्या 233/99 जो 24 मई को हुआ था, हत्या की घटना थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि रजिया देवी जो रामदेव मंडल की पत्नी है और लाल कृष्ण मंडल को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी में खजौली में हुई 75/19 थाना कांड संख्या, उसमें भी उन्होंने उपलब्धि बताई। समस्तीपुर में पटोरी समस्तीपुर में घटना घटी थी, उसमें भी उमेश दास और मंजू देवी को गिरफ्तार किया गया। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने, अप्रिय घटना जैसे कार्य को रोकने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वीआईपी रोड पर 2 चक्का और 4 चक्का की भी चेकिंग की गई, उसकी जांच भी की गई कि कोई अवैध सामान तो नहीं ले जाया जा रहा है। मालूम रहे कि लगातार छिनतई की घटना हो रही है। महिला से लगभग 3 स्थानों पर विधिवत रूप से जहां मामला दर्ज है, चैन छीनने की घटना हो गई है और पुलिस लगातार इस मामले में अभी तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। शहर में अपराध नियंत्रण और उचक्कों पर लगातार पैनी नजर रहे एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान और लहरियासराय में 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, सामान इत्यादि की भी जांच की गई। मालूम रहे कि शहर में 3 घटनाएं विधिवत रूप से दर्ज किया गया है। महिला से चैन छीनने के मामले में पुलिस लगातार अभी तक खाली हाथ है। हालांकि कई जो बाइक चोरी का गिरोह है उसमें उसे पकड़ने में सफलता मिली, शराब कारोबारियों को पकड़ने में सफलता मिली और किसी तरह अपराधियों पर पैनी निगाह रखने के लिए अलग अलग रूप से पुलिस सक्रिय रह रही है, जिसके तहत यह कार्रवाई लगातार। अपराधियों ने डाइगर से 2 लोगों को किया जख्मी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। रविवार की रात लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडा सराय में यह घटना घटी। अपराधियों ने डाइगर से 2 लोगों को जख्मी कर दिया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है इनका इलाज। रविवार की देर रात लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडा सराय में घटित हुई घटना। सब्जी लेकर लौट रहे विनीत से अपराधियों ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, नहीं देने पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आए गणेश यादव पर भी अपराधियों ने डाइगर से बार कर जख्मी कर दिया। लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सामने सब्जी लेके आ रहे थे गुमती पर से, तो ये तीन बटिया पे ये सब घेर के, कौन सब था? राहुल सहनी, कुंदन सहनी, अनुराग सहनी और मोनू सहनी और शमशेर, ये सब हमको घेर के हमसे मोबाइल छीनने लगे। इतने में राहुल सहनी हम पे डाइगर से वार किया पेट पे। इतने में ये गणेश अंकल आके वहाँ जोर से डाइगर पकड़े, जिसमें मुझे ये लग गई है। और इतने में ये रंजन सहनी 10-15 अज्ञात व्यक्ति को और ले लाके और बोलने लग गया कि साले का घर लूट लो और जान से मार दो। और जब ये इन्होंने मुझे बचाने का कोशिश किया तो जान से मारने की इन्हें भी कोशिश की गई और मुझे भी, वहाँ से मैं भाग के घर आ गया। और इतने में पापा थाना को फ़ोन किया, जिससे थाना वक्त पे आके हम लोग की जान बचाई। और ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण के सहयोग से किसी तरह मेरा जान। और जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं जो उचित न्याय दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये तो समाज का में ऐसे रह के ऐसा करना बहुत ही जो कहिए। क्या नाम हुआ आपका? उदय शंकर यादव। पिताजी का नाम आपका? श्री सोभित यादव। अच्छा, जो लोग हमला किए वो लोग कहाँ के रहने वाले? पंडा सराय को, एक ही मोहल्ले को। जी, बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। संतान दंपतियों के लिए
विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20, कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। दरभंगा को विकास की ओर एक कदम और ले जाने के लिए द क्रूसेड ज्वेलर्स अपनी तरह का मिथिलांचल का पहला शोरूम, जहां लोग मुफ्त में अपने गहने का कैरोमीटर से जांच कर सकते हैं। आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध है। किसना और जोरवार डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन द क्रूसेड ज्वेलर्स में खास लोअर रेंज से अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। जी रोड, कॉन्टैक्ट 9006492368। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने बदला गियर, पहले सामाजिक सुरक्षा, आपदा इत्यादि की समीक्षा, अब आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। दीक्षांत समारोह में उपाधि मिलते ही खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे, मिल्लत कॉलेज में हुआ आयोजन। और अरसे बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, लहरियासराय में अवैध दुकानों को हटाया पुलिस ने। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं। प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से मैथिली साइट में केदारनाथ चौधरी के उपन्यास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से मैथिली साहित्य में केदारनाथ चौधरी उपन्यास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा की बैठक अध्यक्ष प्रोफेसर रामानंद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया। बात नेकी की दीवार की, जी हां, नेकी की दीवार कार्यक्रम चलाया जाता है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। लगातार जन कल्याण कई संस्थाओं द्वारा, मारवाड़ी महिला मंच के द्वारा इस गर्मी में किस तरह, देखिए, जो गरीब रिक्शा वाले हैं उनको बोतल इत्यादि दिया जाता है। जरूरत है तो ले जाओ, यदि आपके पास है तो दे जाओ। इस हलक सुखाने वाली गर्मी और चढ़ते पारे के बीच लोग निकलना तक जरूरत नहीं समझते हैं। मारवाड़ी महिला सम्मेलन एक ऐसी शाखा है जो इस तपिस भरी धूप में सड़कों पर निकलकर जरूरतमंदों, ठेला चालकों, रिक्शा चालकों को पानी, बंद बोतल और गमछा देकर कुछ राहत महसूस करा रही है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। चुनाव समाप्त होते ही प्रशासन ने बदला गियर, पहले सामाजिक सुरक्षा, आपदा इत्यादि की समीक्षा, अब आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा की जिलाधिकारी ने। दीक्षांत समारोह में उपाधि मिलते ही खिल उठे छात्र छात्राओं के चेहरे, मिल्लत कॉलेज में हुआ आयोजन। और अरसे बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत, लहरियासराय में अवैध दुकानों को हटाया पुलिस ने। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।